वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे पास है IFB की तरफ से आने वाली IFB Diva Aqua SX, जो कि एक फ्रंट लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक 6 केजी की वॉशिंग मशीन है। तो अगर आप ये वॉशिंग मशीन ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेस करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो फिजिकल ओवर व्यू की बात करते हैं। तो फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से वॉशिंग मशीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो स्टैंड के बारे में तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ में आपको स्टैंड फ्री में नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड में आपको कुछ भी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपर की साइड से यहाँ पर आपको कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन गाइड्स वगैरह, और यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जिसके जो IFB के इसेंशियल्स है वो ऑर्डर करने की डिटेल्स आपको टॉप साइड में आपको एक स्टिकर लगा हुआ मिलता है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो। पीछे साइड से आपको इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप और पावर पिन देखने के लिए मिल जाती है। पावर के लिए आपको एक 3 पिन मिलती है, जिसके लिए आपको एक 230 वोल्ट्स का एसी करंट लगेगा। इसका इंस्टॉलेशन आपको कंपनी थ्रू किया जाता है। अगर आपको फिर भी आपके हाथ से इंस्टॉलेशन करना है तो आपको कुछ इस तरह सा एक इनलेट पाइप मिल जाता है, जिसको आपको वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड से कनेक्ट करना है और बाद में इसे एक जो आपके पानी का नल होता है उसके साथ में कनेक्ट कर लेना है। बाद में आपको पीछे की साइड से अगर आप देखें तो आपको चार कुछ इस तरह के आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पर दो, और दो दूसरे साइड में भी कुछ इसी तरह के दो पॉइंट्स है। वहां से आपको चार स्क्रू निकाल लेने हैं और ये वाले जो फिटिंग्स है ये आपको आपके बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे, वहां पर आपको लगा देना है। इसी के साथ दो प्लेट्स आती है इसके साथ में आपको बॉक्स के साथ में ही, वो आपको वॉशिंग मशीन के एकदम बॉटम साइड जो होती है उस पर आपको लगा लेने और आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर वापस आते हैं फ्रंट साइड में, तो आपको यहाँ पर एक IFB का लोगो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ इसके फीचर दिए हुए मिलते हैं। एक्वा एनर्जी जो इसके अंदर फीचर है उसकी मदद से होता है कि ये जो डिटर्जेंट होता है या लिक्विड होता है उसे एफिशिएंटली यूज करता है, और इको सेविंग की मदद से इसको आपको लाइट बिल भी बहुत कम लगेगा, ऐसे कंपनी क्लेम कर दिए। तो यहाँ पर जो आपको IFB का लोगो देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर आप डिटर्जेंट या वॉशिंग लिक्विड डाल सकते हो। अगर आप इसे निकाल लेते हो तो इसके अंदर आप डिटर्जेंट डाल सकते हो। अगर इसे आप वापस लगा लेते हो, इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन का लिक्विड आता है उसे आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसके बाजू में अगर आप देखें तो आप स्टार्ट या पॉज का बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप प्रोग्राम कोई भी कैंसिल भी कर सकते हो। और इसके बाजू में आपको एक डायल मिलता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलते हैं वॉशिंग के, और ये डायल काफी ज्यादा एक अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। इसका जो फीडबैक है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इसकी मदद से आप कोई भी प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। बाजू में आपको यहाँ पर स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है। इसके फर्स्ट चाइल्ड लॉक, इसके अंदर आपको चाइल्ड लॉक भी मिलता है, जिसकी मदद से कोई भी छोटे बच्चे इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। बाद में आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है वॉश, रिंस एंड स्पिन, एंड डोर और एरर के कुछ इस तरह के आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में आपके क्या कंडीशन चालू है। इसी के नीचे आपको एक आपको जो आपका मॉडल नंबर है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि Diva Aqua SX 6 kg और 800 rpm। तो ये वाला जो मॉडल है वो 800 rpm के साथ में आता है, मतलब जब भी स्पिन होता है, जब भी आपके कपड़े सुखाता है तो वो 800 rpm तक घूमेगा। इसके बाजू में आपको एक बटन मिलता है जो जिस पे लिखा हुआ है वॉश मोड। तो यहां पर वार्म, हॉट और कोल्ड तीन टाइप के आप यहां पर पानी यूज कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी अगर सिलेक्ट नहीं करते हो तो एक कोल्ड वाटर लेगा। अगर आप वार्म सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा बहुत जो गुनगुना पानी होता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, और अगर आप हॉट मोड सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर ये गर्म पानी से आपके कपड़े धोएगा। पर इसका जो वार्म और हॉट वाटर है ये सभी मोड्स पे काम नहीं करता है, कुछ कुछ ही मोड्स पे काम करता है। इसी के साथ इसके बाजू में आपको एक पावर बटन मिलता है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो और आपकी वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगी। इसके नीचे आपको वारंटी की डिटेल्स मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको 4 ईयर्स सुपर वारंटी और 10 ईयर्स के स्पेयर सपोर्ट, मतलब 4 साल इसको आपको वारंटी मिलेगी और 10 साल तक आपको स्पेयर सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई भी स्पेयर वगैरह आपके वॉशिंग मशीन का खराब हो जाता है तो 10 साल तक आप उसे कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अगर इनलेट की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका डोर मिलता है, और ये डोर कंप्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसके जो मतलब ये वाला जो डोर होता है इसका जो मटेरियल है वो ग्लास से नहीं बना हुआ, ये भी एक फाइबर मटेरियल है, जिसके ऊपर भी स्क्रैचेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब आप जींस वगैरह अगर इसके अंदर डालते हो तो जींस के जो बटन्स होते हैं अगर आपको कॉइन वगैरह अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखने के लिए मिलता है। इसके जो पोर्स है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से जो आपके कपड़े होते हैं जो वो इससे आपको बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और इसका जो ड्रम है वो कुछ इस तरह से रोटेट होता है, और ये 2-way रोटेटिंग है, मतलब इसके अंदर बैलेंस मोड भी मिलता है। जब आपके कपड़े इधर उधर मतलब चिपक जाते हैं और इम्बैलेंस होते हैं तो ये मशीन ऑटोमेटिकली उसे बैलेंस कर देगी। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको कपड़े डालने हैं, बाद में इसके अंदर आपको
डिटर्जेंट या लिक्विड जो भी डालना है वो आपको डालना है। बाद में यहाँ पर आपको अलग अलग मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्रेडल वॉश है, जिसके जो आपके नाजुक कपड़े होते हैं उसके लिए आपको क्रेडल वॉश सिलेक्ट कर लेना है, और जिसके सभी अलग अलग प्रोग्राम से उसको आपको अलग अलग टाइमिंग मिलता है। तो वो टाइमिंग अभी यहाँ पर मैं बता दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कौन से प्रोग्राम को कितना ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद में आपको वुलन की जो आपके कपड़े होते हैं, जो आपके स्वेटर्स वगैरह हो गए, बाद में जो आपके कॉटन के कपड़े हो गए, कॉटन इको इसके बाद में, इसके साथ में मिक्स फैब्रिक जो आपके मिक्स वगैरह कपड़े होते हैं उसके लिए आप मिक्स फैब्रिक ले सकते हैं। क्विक वॉश अगर आपको बहुत जल्दी में कपड़े धोने तो आप क्विक वॉश सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में एडिटिव्स प्लस रिंस, इसके मदद से आपके जो आपके कपड़े हैं वो आपको मतलब पानी में डाल के आपको निकाल लेने, उसके लिए ये ले सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर ड्रेन प्लस स्पिन, तो अगर आपके बारिश में कपड़े जो होते हैं वो सूखते नहीं है तो आप ड्रेन प्लस स्पिन पे डाल के ये क्या करेगा, ये 800 आरपीएम पे वो कपड़ों को जोर से घुमाएगा और इसे हिट कर देगा और वो आपके जो कपड़े होते हैं वो कंप्लीटली सूख जाएंगे। तो ये वाले डायल से आप इसे रोटेट करके आपको जो प्रोग्राम चाहिए वो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब कोई भी प्रोग्राम चालू हो जाता है तो सबसे पहले वो वॉश करता है, बाद में उसे रिंस और स्पिन करता है और बाद में एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर से उसका आपको एक मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, तो जब ये लाइट होता है वो एकदम कॉन्स्टेंटली चालू होता है, मतलब वो ऑन है, और जब वो कुछ इस तरह से ब्लिंक करता है मतलब ऑफ है। तो अभी ये वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है इसलिए ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे मेरा क्विक वॉश सिलेक्ट है, ये कॉन्स्टेंटली चालू है मतलब यहाँ पर मेरा क्विक वॉश प्रोग्राम शुरू है। यहाँ पर डोर का लाइट कंप्लीटली चालू है, इसका मतलब जो डोर है वो आप ओपन कर सकते हो, अभी ये डोर लॉक नहीं है। इसके बाद में आपको एक रैपिड वॉश का बटन मिलता है, मतलब कुछ कुछ जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर आप रैपिड वॉश सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अभी यहाँ पर मैं मिक्स फैब्रिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर मुझे रैपिड वॉश का प्रोग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, पर अभी ये लाइट ब्लिंक हो रहा है मतलब रैपिड वॉश ऑफ है। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो अभी ये रैपिड वॉश का जो लाइट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन है, मतलब यहाँ पर रैपिड वॉश ऑन है। इसी के बाजू में आपको एक बटन मिलता है वॉश मोड करके, तो अभी ये वाला लाइट है ये कॉन्स्टेंटली ऑन है, मतलब अभी ये वार्म वाटर पे, अगर मैं इसे एक बार प्रेस करता हूँ तो अभी ये चला गया हॉट पे, और वार्म का लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और हॉट का कॉन्स्टेंटली ऑन है, मतलब यहाँ पर हॉट वाटर है। अगर मैं इसे फिर से दबाता हूं तो हॉट और वार्म दोनों ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों बंद हैं, और यहां पर कोल्ड वाटर का मोड चालू है, मतलब अभी ये यहां पर ठंडा पानी लेगा। पर ये वाला जो फीचर है वो आपको सभी मोड्स में नहीं मिलता। अगर मैं क्विक वॉश पे लेता हूं तो आपको रैपिड वॉश और वॉश मोड दोनों भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते, तो कुछ कुछ ही प्रोग्राम्स पे आपको ये ऑप्शन मिलता है वार्म और हॉट का, आपको जो क्विक वॉश होता है उसके अंदर आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलता। इसे यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना कुछ इस तरह से, इसके अंदर आपको जो भी आपको कपड़े डालने हैं वो डाल देने हैं, बाद में इसे प्रेस करके ऑफ कर देना है, बाद में यहाँ पर आपको मोड सिलेक्ट करना है जो भी। आप नॉर्मली क्विक वॉश भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके ज्यादा कपड़े मैले नहीं है। बाद में इसके अंदर आपको डालना है डिटर्जेंट, इसे कर लेना है ऑफ, यहाँ से आपको सब कुछ ऑन है, बाद में आपको इस बटन को दबा देना है। अभी इसमें मैंने कपड़े नहीं डाले फिर भी ऑन हो जाएगा, पर मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। बाद में ऑन दबाने के बाद में ये क्या करेगा, जो सब कुछ पानी है इसके अंदर से बाहर फेंक देगा और यहाँ पर दूसरा पानी लेने के लिए शुरू कर देगा और यहाँ से डिटर्जेंट वगैरह लेगा। पर अगर यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोग्राम चालू कर दिया, अगर अभी यहाँ पर मैंने क्विक वॉश शुरू कर दिया है, बाद में मुझे याद आया कि मुझे इसके अंदर और कपड़े डालने हैं या मुझे कोई नया प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा पॉज। तो अगर मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ तो अगर मुझे इसमें और कपड़े डालने तो मैं इसे पॉज करके ओपन करके और कपड़े डाल सकता हूँ। अगर मुझे ये प्रोग्राम कैंसिल कर देना है तो ये वाला जो बटन है स्टार्ट स्टॉप का, मैं इसे 3 सेकंड तक होल्ड करूँगा। जैसे मैं इसे 3 सेकंड में होल्ड करूंगा ये पूरी की पूरी लाइट जो है ब्लिंक होना चालू हो जाते हैं और ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। अभी ये कपड़े इस प्रोग्राम पे वॉश नहीं करेगा और यहाँ पर मशीन स्टॉप हो चुकी है। पर मैं एकदम से इस डोर को ओपन नहीं कर सकता, जब तक ये डोर का लाइट ब्लिंक हो रहा है तब तक मैं इसका डोर ओपन नहीं कर सकता। जब ये एकदम स्टेडी हो जाएगा बाद में ही इसे मैं ओपन कर सकता हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब वॉशिंग मशीन रोटेटिंग होती है या वॉशिंग मशीन जो चालू फंक्शन में होती है तब हम इसे ओपन नहीं कर सकते। ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको चाइल्ड लॉक यूज करना है, मतलब अभी मैंने वुलन का प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और मुझे चाइल्ड लॉक अगर ऑन करना है तो ये दोनों बटन जो है वो मुझे 3 सेकंड के लिए प्रेस करने होंगे। और यहाँ पर देख सकती है कि जो चाइल्ड लॉक है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अगर मैं इसे अभी स्टार्ट करता हूँ, पॉज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ या चेंज करता हूँ तो जब तक चाइल्ड लॉक ऑन है तब तक ये वो मशीन खुलेगा भी नहीं, यहाँ पर पॉज भी नहीं होगा, स्टार्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो चल रहा है वैसे चल रहा होगा। अगर मुझे इसे ऑफ करना है, ये दोनों बटन मुझे 3 सेकंड के लिए प्रेस करने होंगे। बाद में यहाँ पर अभी चाइल्ड लॉक ऑफ हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर सकता हूँ या इसे 3 सेकंड प्रेस करके
इस प्रोग्राम को कैंसिल भी कर सकता हो। तो कुछ इस तरह से काफी ज्यादा सिंपल है इस मशीन को यूज करना। कोई भी इस मशीन को एक बार में बताने के बाद ही इस मशीन को कोई भी आराम से यूज कर सकता है। तो इसके अंदर आपको जो ये स्टैंड दिख रहा है जिस पर आईएफबी की बैजिंग मिलती है, ये आपको आईएफबी की तरफ से ऑफिशियली आता है। जो आपको बंदा जो आपको वॉशिंग मशीन फिटिंग करने के लिए आता है उसी के साथ में ये होता है। अगर आपको उसे फोन करके जब वो आता है उसके आप बता दोगे कि आपको एक स्टैंड चाहिए तो वो आपको अरेंज कर देगा। और इसे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, अगर एक वॉशिंग एरिया में आप रखते हो तो जो इसके नीचे का पार्ट होता है वो खराब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, रस्टिंग वगैरह के भी इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये वाला जो स्टैंड है वो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा। और ये जो इसके 800 आरपीएम पे जब ये घूमता है तो ये वॉशिंग मशीन काफी ज्यादा हिलने लगता है और इसकी भी जगह भी इधर उधर हो सकती है। इसके लिए इसके अंदर आपको कुछ रबर फिटिंग्स मिलते हैं नीचे जिसकी मदद से एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। लिक्विड इसके साथ में आप कोई भी जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन का लिक्विड आता है वो यूज कर सकते हो। इसका जो आईएफबी का लिक्विड आता है जो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, जो कि वो आईएफबी का जो बंदा आता है वो भी आपको सेल करने के लिए ट्राई करेगा, आप वो भी ले सकते हो, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको खत्म हो जाता है तो कुछ इस तरह का भी कोई लिक्विड ले सकते हो, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस अभी बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, आपको ये वॉशिंग मशीन लेना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप एक बैचलर हो या आपके घर में 3-4 लोग रहते तो आप ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो। आपको इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये फिलहाल फ्लिपकार्ट पे 22,000 की अवेलेबल है। मैंने जब 6 महीने पहले परचेस की थी ये मैंने 23,500 की लोकल स्टोर से परचेस की थी। जो मेरा पिन कोड है वहां पर ऑनलाइन वॉशिंग मशीन की डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी, पर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। आपको इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ एकदम फ्री में हो जाएगा। तो जब आप इसे यूज करते तो थोड़ा बहुत इसका जो प्लास्टिक है वो आपको चीप फील होता है, पर इसकी प्राइस जो है वो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में सबसे कम है। मतलब ये प्राइस में आपको कोई भी फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन नहीं मिलती। तो प्राइस के मामले में तो ये काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ इसमें आपको 4 साल की अच्छी खासी वारंटी भी मिल जाती है। मतलब कोई भी आपको अगर इश्यू आता है तो 4 साल में आपको वारंटी के अंदर कवर हो जाएगा। तो इस मशीन के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है या कोई भी अदर वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या पर मेरा स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो चला वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।